करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। तो अगर वो इन फ्रैक्शंस को लिखना है फिर उनमें बड़ा छोटा बताना है, ये है। तो सबसे पहले अपन इनको लिख लेते हैं इनके बगल में, ये कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। कितने शेडेड है, 3 शेडेड है। अब देखिए यहाँ पे भी 8 पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और शेडेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेडेड है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 शेडेड है और टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 शेडेड है, मतलब 8 टोटल है, मतलब सब में 8 टोटल है और ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें भी 8 टोटल है और 1 शेडेड है। तब अपन को इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेट करना है इन साइन का यूज करके। कैसे करना है, जैसे अपन पहले इसको असेंडिंग में जमाते हैं। देखिए इनके सबके क्या है, जो है डिनोमिनेटर सारे सेम है तो ये अपने लिए सही फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिन प्रॉपर कौन से होते हैं, जिनका वो न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ये अपने लिए इस टाइप के फ्रैक्शन है जिसमें अपन इजीली कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर का नंबर देख लो, 1, 3, 4, 6 तो ये सब आ जाएगा और इसको इस साइंस का यूज़ करना है। अब डिनोमिनेटर भी फिर मतलब डिनोमिनेटर नहीं डी तो हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, अपन करेंगे तो ऐसे ही लेकिन इस बार ऐसे साइन लगेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 4, 3, 1 तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये ए पार्ट था इसका, इसके और भी पार्ट्स हैं तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब भी पार्ट देखते हैं। अब इसमें मैंने बॉक्सेस दे रखे हैं, इनमें भी वैसे ही करना है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये टोटल लाइन है। दूसरों में भी सारे ऐसे ही बॉक्सेस हैं, यानी वो 9 ही है और इसमें 1 माइनस कर दो 8 है, यानी शेडेड 8 है। ओके नेक्स्ट क्या है आपके, वह ये 9 है अपन को पता है, अपन लिख लेते ही पर सबके लिए 9। ओके तो ये क्या 1, 2, 3, 4 इसमें 4 आ रहा है, ये है 3 और ये है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये अपन को पता है। तो अपन इसको सबसे पहले असेंडिंग में वो कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऐसे अपन बना लेते हैं क्योंकि ये बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है कि ये साइन लिखने हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 3 वाला, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसे है। अब इसी को डिसेंडिंग करना है आपको, तो कैसे करेंगे, 9 अब इसमें भी उल्टा लिखना है बस 8, 6, 4, 3 बिल्कुल बस ऐसा ही लिखना है। और ये असेंडिंग के लिए ए और डिसेंडिंग के लिए डी, ऐसा करके आप पूरा बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका एक सी पार्ट भी है तो बढ़ते हैं उसकी तरफ। अब अपन इसका सी पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे शो करना है और ये अपन ने पहले कर रखा है, ठीक है। पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन बिटवीन गिवन, मतलब इसमें एप्रोप्रिएट साइन देने। तो पहले अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तब पहले अपन नंबर लाइन का काम कर लेते हैं नीचे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। तो देखिए 6/6 को अगर आप कट करोगे तो 6 × 6 = 6 × 6 = 1 और नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होगा, तो यानी ये बन जाएगा आपका एक फुल 1, है ना। तो ये वो है, और अपन ने पहले देखा कि उसके ऊपर से जो नंबर है, जैसे ये 6 है तो 8 वाला बड़ा हो जाएगा,
लेकिन 6/6 तो खुद 1 है, और फिर 8/6 है, ये तो और बड़ा है मतलब। तो अपन क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले। तो 8 अंदर और 6 बाहर, तो 6 × 6 ठीक है, तो आएगा 2। तो ये पॉइंट लगा देंगे आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा, 0, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 18, और फिर 2 आ जाएगा। फिर ऐसे करते हुए ये चलता ही रहेगा, 0.000 मतलब ऐसे 0 0 0 आते ही जाएंगे, तो मतलब 1.3 हो गया उसका मतलब, है ना। मतलब इसके बाद जो 0 लगते हैं उनका मतलब नहीं होता। आगे जब डेसिमल्स के चैप्टर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये, है ना। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। तो इसमें अपन को 0 से लेकर चाहिए 1 तक की लाइन, लेकिन अब वो 1 उससे था, तो अपन को 1 से लेकर 2 तक की लाइन भी चाहिएगी। तो अब 0 से लेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी ये थोड़ा सा दूर बना देते हैं अपन, तो 1 2 3 4 5, और ये खुद 6 हो जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ से 6 7 8 ऐसा गिन ले, लेकिन नहीं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें दूरी मेंटेन नहीं कर पाए हम उसकी, तो यहाँ पे अपना क्या है, 6 है, तो यहाँ आप 0.6 भी लिख सकते हो, है ना, मतलब 0 ही हो जाएगा। तो ये है, तो यहाँ आ जाएगा 1/6, 1/6 आएगा, तो यहाँ आएगा 2/6 जो अपने पास है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/6, यहाँ 3/6, 4/6 आएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा 6/6, या 7/6 या 8/6 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी अपन को इसको भी करना है, इसमें बस बहुत इजी है, अपन उल्टा करते हैं ठीक है। ये 8/6 है और ये 5/6 है, तो ये तो 1 से भी बड़ा है ना, और ये वाला तो इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, ये 5/6 है, ये 2/6 है, तो 2/6 छोटा हो जाएगा। अब यहाँ 3/6 और 8/6 है, तो 8/6 बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा है वो, और यहाँ 6/6 है, 1/6 है, तो 1/6 है, 6/6 है, सिंपल सी बात है, ये बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम हो कहीं के भी, कोई सा भी डिनोमिनेटर सेम है और उसके ऊपर की नंबर बड़ी छोटी है, तो वो हो जाएगा। अब ये कैसे अपन का लगता है कि ये बड़ा है या छोटा है, मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप 6 हैं, तो यहाँ 5/6 करो एक बार आप, है ना, और यहाँ एक बार आप करो, तो आप पॉइंट में आंसर आएगा, ये तो अपन को पता है। लेकिन इसका थोड़ा मतलब इससे वही आएगा ना, मतलब ये 2 है और ये 5 है, तो इसका फिर ठीक आ जाएगा ना, इससे मतलब इसका बड़ा आएगा, इससे पॉइंट में भी आएगा, तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा, और ये डिवाइड ही होता है इस फ्रैक्शन का। मतलब बहुत जगह लिखते हैं ऐसे, वो क्या बोलते हैं अपन, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसमें ऐसे लिखते हैं डिवाइड के टाइम पे कभी कभी, कि इसको इससे डिवाइड किया उसका रेशियो ये आ गया, और ऐसे ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये इसका लास्ट पार्ट था, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। अपन को वापस से इनको कंपेयर करना है और अपना ये साइन लगाना है, ये वाले अपने ये सारे साइन अपन को लगाने हैं इनके अंदर। अब इसमें क्या अलग है, यहाँ तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन सेम है ठीक है, तो यहाँ अपन देख सकते हैं 5/6 है और 3/6 है, तो बड़ा न्यूमरेटर ये है, तो ये बड़ा हो जाएगा आपके, है ना। अब इसमें भी आप देख सकते हो कि ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ये 1 है और ये 4/5 है, ऐसा देख सकते हो। अब यहाँ आप देख के बता सकते हैं कि क्या है इसका, वो क्या होगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब चेंज हो गए हैं, तो फिर आप क्या करोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिवाइड होते हैं
ये उसके ऊपर वाले नंबर के अंदर आ जाते हैं वो डब्बे के, और वो डिवाइड वाला डब्बा होता है ना अपना, ऐसा वाला। तो ये वन जो है अंदर आएगा, दोनों में वन अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ सेवन आएगा, यहाँ फोर आएगा। तो अब ये फोर है और ये सेवन है, तो ये इसके जो है वो बड़े हैं, मतलब नंबर्स इसके छोटे हैं। तो मतलब ये बड़ा आ जाएगा ना इस वाले के कंपैरिजन में, ये बड़ा आ जाएगा, मतलब पॉइंट में आएंगे दोनों, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा उससे। तो क्या होगा, वन अपॉन फोर बड़ा हो जाएगा, ऐसा है ना। अब यहाँ देखिए थ्री अपॉन फाइव और थ्री अपॉन सेवन। अब आप देखिए यहाँ फाइव है और यहाँ सेवन है, तो फाइव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आप अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे वही उसी का ही है, जैसे यहाँ आप न्यूमरेटर सेम है तो अपन ने उल्टी चीज़ कर दी, ठीक है। तो यही है अब इसमें। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। मैं फाइव मोर ईच पेयर्स एंड फुट अप्रोप्रिएट साइज, मतलब आप खुद के पेयर्स बनाने हैं। अब मैंने ये बना दिए, आप आपके मन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप खुद के मन से ही बनाइएगा, और मैंने ये कुछ बनाई है अपने हिसाब से, तो मैं इनको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। आप है ना सेम डिनोमिनेटर वाले भी बना सकते हो, बिना सेम डिनोमिनेटर वाले भी बना सकते हो। मैंने दोनों तरीके के बना दिए जिससे आपको सही से समझ आ जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे है 3/10 और 5/10, तो 5/10 बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब बी वाला देखिए 11/15 एंड 3/15, तो कौन बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है 11/15 बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/5 और 3/8, तो अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये बड़ा है। अब ये देखिए 7/8 और 7/7, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो बड़ा है। वैसे भी ये बल्कि अगर आप कट करेंगे तो वन बनेगा, और इसको कट करने तो वन नहीं बनेगा, ये वन से स्मॉल है, ऐसे भी आप देख सकते। अब 3/8 और 3/6, तो न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग है, तो 6 क्या छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप आपके खुद के पेयर्स बनेंगे, मेरे ये कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लुक एट द फिगर एंड राइट, ये अपने ये मार्क बनाना है अपने, यहाँ गलती से एक मार्क कम है तो सॉरी उसके लिए। बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन, अब एक नंबर लाइन की तरह इसको समझ लीजिए अपन, है ना। अपन को ये नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं, अपन को पता है 1/6 है, 1/3 है, तो 1/3 अपना बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही अपन को पता है, लेकिन अपन को इस समझ के करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अपन, देखिए यहाँ 0/1 है और 1/1 है, वन पार्ट हो गया। फिर यहाँ 0/2 है तो टू पार्ट, 0/3 थ्री पार्ट, 0/4 फोर पार्ट, 0/5 फाइव पार्ट्स, और 0/6 सिक्स पार्ट्स। ओके, तो जैसे ये है इतना बड़ा 1/3, ठीक है। और 1/6 इतना है, मतलब इसमें एक्चुअल साइज नहीं है, लेकिन अपन को पता है 1/6 इसका ही पार्ट हो जाएगा छोटा, और ये थोड़े ऐसा बड़े हो जाएंगे क्योंकि इनमें वो है ना बस दो तीन ही फ्रैक्शन आएंगे। जैसे ये दो फ्रैक्शन नहीं आ रहे, 1/3 और 2/3, और इसमें पूरे 6/6 तक बहुत सारे फ्रैक्शन है सिक्स में, तो ये एक छोटा पार्ट हो जाएगा, ये एक बड़ा पार्ट हो जाएगा, तो इसलिए अपना 1/3 बड़ा है, इसलिए अपना 1/3 बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए 3/4 और 2/6, थ्री अपॉन फोर और 2/6 है, तो यहाँ अपन 3/4 देखते हैं, तो 3/4, तो फोर में देखेंगे, डिनोमिनेटर का ध्यान रखिए, थ्री में मत देखने लग जाइएगा। तो फोर, तो 3/4 का ये रहा, तो इतना बड़ा आपका 3/4 है, और 2/6, तो 2/6 है वो यहाँ है, तो इतना बड़ा है, तो 3/4 जो है वो आपका इतना बड़ा है, और जो आपका 2/6 है वो इतना बड़ा है, यानी ये भी मतलब ये वाला बड़ा हो गया क्योंकि फोर पार्ट है इसमें, सिक्स पार्ट है वो भी उसके फिर टू ही आ रहा है, इसलिए। अब देखिए 2/3 और 2/4,
3 जो है, 2/3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 2/4 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी छोटा हो गया ना, क्योंकि इसमें ज्यादा पार्ट्स है तो इसमें ज्यादा वो है, तो इसलिए ये बड़ा हो जाएगा आपके। अब देखिए 6/6 और 3/3। अब देखिए 6/6 है, इसको आप कट करेंगे तो 6 × 6 6 × 6 क्या आएगा, 1/1, और फिर नीचे वाले 1 का महत्व नहीं बचता तो ये हो जाता है 1, है ना। और 3/3 और 3/3 ये कट करेंगे तो भी 1/1 आएगा, जो वही 1 बन जाएगा, तो ये एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये 6/6 है और ये 3/3 है, तो बराबर हो गए, पूरी ये जो बराबर की लाइन है तो ये तो पूरी सेम रहेगी ना। और आप यूँ सोचें कि देखिए ऊपर नीचे सेम नंबर लिखने से 1 बनता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये, क्या ना, ऊपर नीचे लिखने से सेम नंबर 1 बनता है, तो जैसे यहाँ 3 लिखा है तो इसको 3 कैसे बनाए, तो जैसे 3/1 लिखोगे आप, ठीक है, और 3/3 लिखोगे, कौन बड़ा है, ये इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये बड़ा है। अब कैसा बड़ा है, 1/3, ठीक है, तो 1/3 आप करोगे तो 1 × 3 = 3, तो वही 3 आ जाएगा वापस, है ना, तो ये 3 बन जाएगा डिवाइड करने के बाद, है ना, और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो इसलिए वो 1 बन जाता है। तो मतलब किसी, जैसे अब 6 के नीचे 1 लिख दो तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ये हो जाएंगे बराबर। अब देखिए 5/6 और 5/5, तो 5/6 होएगा इतना सा और 5/5 होगा पूरा लाइन, तो इसलिए ये वाला बड़ा हो जाएगा ऐसे। और ये लाइन है, इसमें आपको बस नॉर्मली बस समझना है कि इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी डिस्टेंस इतनी है, और फिर वो मतलब ये एक छोटी सी नंबर लाइन ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। हाउ क्विकली कैन यू डू दिस विल अप्रोप्रिएट साइन। अब अपन को यहाँ पे दोबारा अप्रोप्रिएट साइन भरना है। अब आप बोलोगे इसमें क्या नया है, बार बार ही अपन यही भर रहे हैं, है ना, तो इसमें नया ये है वो आप आगे देखिए, है ना। और देखिए 1/2 और 1/5, तो इनके डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है, तो इसलिए 1/2 बड़ा हो जाएगा, अपन इजीली जानते हैं। लेकिन आप तब क्या करोगे जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर भी, मतलब डिनोमिनेटर भी अलग हो और न्यूमरेटर भी अलग हो, फिर आप क्या करोगे, मतलब कि ऐसा आपको लगता हो कि ऐसा ही रूल रहेगा सेम कि ये 3/4 बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए इनको अपन को सिंपलेस्ट फॉर्म पर लाना है, अपन न्यू कर लेते हैं, काम करते हैं, वैसे ये ABCD हुआ है लेकिन अपन न्यू कर लेते हैं, है ना, जिससे अपन को कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। अब अपन न्यू कर लेते हैं, है, तो 3/4 और 2/8 है, तो 2/8 ऐसा नंबर है जिसका ये अपन सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, 3/4 का नहीं निकाल सकते हैं, तो 2/8 है इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा, ये दोनों नंबर 2 से होते हैं, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 1/4 और 1/4 इस डिनोमिनेटर के इक्वल हो गया, तो 1/4 जो है वो छोटा हो जाएगा 3/4 से, हुआ तो वही, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब देखिए 1/4 है और 2/8 है ना, तो अब अपन ने यही देखा 2/8 कि उसका हो गया 1/4, तो अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, इक्वल, यहाँ इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म भी वो ही आ रही है, अपन ने कैसे इक्वल निकाल देते 1/2 पे, वैसे ही बात है ना। अब देखिए 6/10 और 4/5, या तो अपन इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लें या इसको इंटू कर लें, एक काम करते हैं इसको इंटू कर लेते हैं, तो 4 × 2 5 × 2 क्या आएगा 8 और डिवाइड बाय 10 8/10, तो 8 इससे बड़ा हो जाएगा। और आप दूसरी चीज ये कर सकते थे, 6/10 है इसकी, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो ये 3 और ये 5, तो ये देखिए ये 4 बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला
देखिए 2/4 और 3/6 है, तो वापस से आपके यहाँ डिनोमिनेटर भी अलग है और न्यूमरेटर भी अलग है। तो 2/4 और 3/6 इसमें अपन इक्वल लिखेंगे, क्यों यहाँ लिख देते हैं पहले फिर बताता हूँ। देखिए 1/2 है तो उसके अगर आप इनटू करते हैं 2 और यह 1/2 है इसमें इनटू करते हैं 3 तो क्या आएगा, एक एक करता अपन यहाँ आएगा तो दोनों इक्वल हो गए ना, मतलब ये 1/2 के वही थे। अपन ने देखा है 2/4 और 3/6 है, मतलब वो उनके लोएस्ट फॉर्म 1/2 है तो ये इक्वल हो जाएंगे, सिंपल बात है। और ये इजीएस्ट है कि ये 5 है और यह 5 है तो 6/5 बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 6/10 एंड 4/5 और ये एग्जैक्ट अपन ने यहाँ कर लिया। अब मैं आपको दोबारा वो करके दिखाऊंगा, मतलब नहीं है डायरेक्ट अपन यहाँ ऐसा कर देते हैं और कभी एग्जाम में आ जाए तो बहुत खुश हो जाना आप कि इसी को दोबारा लिखना है आपको, है ना। अब देखिए 5/7 और 15/21 तब देखिए 7 को इंटू कर देते हैं अपन 3 से तो क्या आता है 21 आता है, और अगर अपन 5 को भी इंटू कर दे 3 से तो आपको मिल जाएगा 15 डिवाइड बाय 21 यानी 15/21। तो इसको अपन ये लिखेंगे इक्वल। अब देखिए ये अपना लास्ट पार्ट 3/5 और 2/3 तो इनके डिनोमिनेटर भी अलग है। अब क्या करेंगे देखिए, अब 3/5 और 2/3 दोनों के ही अपन वो नहीं कर सकते, मतलब इनकी लोएस्ट फॉर्म यही है, अपन को पता है 3/5 है इसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म यही है, 2/3 की भी सबसे लोएस्ट फॉर्म यही है। तो अपन एक और चीज कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग, वो अपन ने अपना क्वेश्चन था ना इक्वलेंट है कि नहीं है, उसमें मैंने आपको फालतू में वो करके दिखाया था ना डिनोमिनेटर सेम, मतलब आपको लगा होगा कि फालतू में बताया, लेकिन वो मैंने इसलिए बताया था जिससे यहाँ कन्फ्यूजन ना। देखिए अब इस टाइप का आ गया 5/3 और 3/5 तो क्या आएगा 15 आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3/3 हो जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ अगर 2/5 होएगा तो 10 आ जाएगा। तो देखिए 10/15 बड़ा हो जाएगा क्योंकि 9/15 है, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर ये वाला छोटा रहेगा तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। अब 7/9 और 3/9 ईजी है ना। अब अपन 3/4 और 2/8 को देख लेते हैं, तो 2/8 का क्या था 1/4 और 3/4 यहाँ आपका ऐसे बड़ा आ जाएगा, और दोबारा से ये देखिए ये सेम हो गए, कुछ ऐसे सेम हो जाते हैं तो मैंने बताया ना बढ़िया रहता है। बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब देखिए द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, मतलब आपको 3 सिंपलेस्ट फॉर्म दी जाएगी, मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ। आपको 3 सिंपलेस्ट फॉर्म दी जाएगी, आपको सबके इक्वलिटी बताने हैं क्योंकि जो इनकी सेम है फिर उनको कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिवाइड वगैरह करने की जगह नहीं बची थी, ठीक है, मैंने खुद ही सॉल्व कर दिए है ना। तो मैंने खुद जो सॉल्व कर दिए हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसा है, उसके बाद अपन सर्कल करके चेक करेंगे कि कितने किसके आए हैं, ठीक है। अब देखिए 2/12 तो इसका हो जाएगा 1/6 टेबल के हिसाब से, फिर 3/15 तो 3/5 15। अब ये 2 से हो जाएगा, दोनों 2 की टेबल में आएंगे आगे जाके, फिर 50 आगे जाके आ जाएगा, तो 50 को 2 से करेंगे तो 25 और 8 को करेंगे 4, और फिर ये आगे फर्दर नहीं हो रहे डिवाइड इसलिए। अब यहाँ पे भी सेम आएगा, देखिए 16/100 तो 16 को अपन दोनों नंबर्स को 4 से करेंगे तो 4/4 और ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 0 से 0 कट गई तो ये खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई थी। अब यहाँ 15/75 तो अगर आपको 15 की टेबल आती हो तो अगर आप उसको 5 से करेंगे तो 15 5 जो 75 होता है वो 15 में जो 15 होता है।
अब 12 5 16 होता है, 10 16 अब 16 16 16 6 96 अब 12 अपॉन 75 को अगर आप करेंगे 3 से तो आपको मिल जाएगा 4 अपॉन 25 और यहाँ 72 है तो वो उसकी टेबल में आता है इसलिए 1 अपॉन 6 और 3 अपॉन 18 का भी 1 अपॉन 6 हो जाएगा और 4 अपॉन 25 यहाँ पे भी किया था यहाँ पे भी किया था यहाँ पे भी किया था तो ये फर्दर नहीं हो रहा है तो मैंने इसको प्लेन जोड़ दिया है। ठीक है अब अपन पता करते हैं 1 अपॉन 6 यहाँ है क्या और है नहीं है यहाँ है यहाँ ये है और ये है अब इस लाइन में है हाँ है ये और ये तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये सॉरी इसको मेरे को नहीं करना था सर पे ये जो हैं ये सारे वन मतलब इक्वल नंबर्स हैं। ओके अब देखिए 1 अपॉन 5 क्या यहाँ पे है हाँ है यहाँ नहीं है। अब देखिए ये जितने भी नंबर 1 अपॉन 5 क्या है वो उससे डिविजिबल है। अब देखिए 4 अपॉन 25 तो ये सारे नंबर जो है उससे डिविजिबल है और खुद ही तो अब अपन को ये यस है क्योंकि अपन को 3 नंबर दिए जाएंगे जिससे अपन को ये सारे इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो 1 अपॉन 6 है 1 अपॉन 5 और 4 अपॉन 25 है और कोई दूसरे नंबर नहीं है अपन ने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। तो इसी तरीके से ये भी आपको करना है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम यानी अपन को इसमें इक्विवेलेंट बताना है लेकिन इसको पूरा घोल के इक्विवेलेंट बताना है वो आपको मैं बताता अब 5 अपॉन 9 और 4 अपॉन 5 अब वो अपन को बताना है क्या ये इक्वल है कि नहीं है, है ना तो आपको दिख रहा है ये कहीं से इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है ना तो अपन को लेकिन इसको अच्छे से सॉल्व करके बताना है वो अपन कैसे बताएंगे जैसे 5 अपॉन 9 है और 4 अपॉन 5 है इन दोनों को अपन एक दूसरे वाले नंबर से कर देते हैं इंटू 5 इंटू 9 तो ऊपर वाला भी उससे हो जाएगा ये वाला भी हो जाएगा इंटू 9 से ऐसा आ गया। अब ये इसको जब आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग है तो इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखिए बी वाला 9 अपॉन 16 और 5 अपॉन 9 अब ये भी अपन को इक्विवेलेंट नहीं लग रहा है लेकिन दोबारा से घोल के बताना है। अब 9 अपॉन 16 है ठीक है और 5 अपॉन 9 है तो अपन इसको करते हैं इंटू 16 और इंटू 9 तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर 144 आ जाएगा इसमें भी सेम आ जाएगा। अब इसको इंटू 16 कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 80 और यहाँ अगर आप इसको इंटू 9 करोगे तो आपको मिल जाएगा 81। ओके तो 81 और 80 तो इसमें बस एक वन नंबर का डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है ठीक है इसलिए ये भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब इस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 16 अपॉन 20 अब यहाँ अपन को बिल्कुल साफ दिख रहा है इक्वल लेकिन अब अपन इसको बताएंगे और मैं एक काम करता हूँ इसको पूरे को मिटा देता हूँ मैं आपको दो मेथड बताऊंगा ठीक है। तो सबसे पहला मेथड अपना रोज वाला 16 अपॉन 20 है तो ये दोनों ही नंबर 4 से मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म तो 4 4 और तो 4 अपॉन 5 तो इक्वलेंट है
तो ये अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल ली। मेन तो यही होता है अपना नॉर्मल मेथड, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करना है तो अपन वैसे करेंगे। 4/5 है, इंटू करेंगे इसको अपन 4 से, दोनों इंटू 4 क्या आएगा 16 और इसका आएगा 20, तो ये भी सही है। और एक एक और बताता हूँ, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा उससे। अब देखिए अगर अपन इन दोनों के वो निकालते हैं एलसीएम, तो इसको अपन करते हैं 2 से, और 5 5 2 10 और ये 20, तब 20 आ जाएगा। तो अब दोनों में 20 लाना है, ठीक है, अपन को दोनों में 20 लाना है, तो इसको इनटू क्या, और फिर वही वाला मेथड हो जाएगा ऐसे। मतलब इससे पता करके लिखोगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये। ओके अब लास्ट देखते हैं, 1/15 और 4/30। अब ये थोड़ा सा इक्विवेलेंट लग रहा होगा लेकिन ये नहीं है, अब उनको पता है। अब देखिए कैसे 1/15 है, ओके। अब ये जो 1/15 है, अगर देखो अगर आपको 15 से 30 लाना है तो आपको क्या करना है, इंटू 2। तो अगर आप उसको कर देंगे इंटू 2, सॉरी 20 हो गया, टू से करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे तो आएगा आपका 30 और इसका आएगा 2। अब ये डिस्टेंस हो गया ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक। इला जो है उसने 25 पेज पढ़े बुक के जिसमें थे 100 पेजेस। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक हु रीड लेस। मतलब एक अपन को फ्रैक्शन में दे रखा है, एक अपन को पेजेस में दे रखा है, तो अपन इसका आंसर फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। तो अब देखिए अगर अपन इसका फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, सबसे पहले इला का फ्रैक्शन बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, 25/100 है, अपन 25 1 25 हो जाएगा और 25 4 तो आंसर आएगा 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया आपका आंसर। और यहाँ है ललिता, उसके अपन के ऑलरेडी फ्रैक्शन है 2/5 है ना। तो अभी अपन को ये दिख रहा होगा कि ये बड़ा है, लेकिन अपन के ये दोनों के न्यूमरेटर अलग है ना, तो अपन क्या करते हैं इसको पूरा घोल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/4 को करते हैं इंटू 5 इंटू 5, उससे पहले अपन 2/5 को भी कर लेते हैं इंटू 4 इंटू 4, तो ये आएगा आपका 5 4 20, इसका भी आएगा 20, इसका आएगा 8 और इसका आएगा 5, तो आंसर मिला 5/20 और 8/20। तो किसने ज़्यादा पढ़े, ललिता ने, क्योंकि उसका फ्रैक्शन है 8/20 का, ओके, और उसने उसके 1/4 रीड किया है, तो ग्रेटर जो है वो ललिता ने रीड किया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रफ एक्सरसाइज 4 3/6 ऑफ एन आवर। इसने 1 घंटे में इतनी एक्सरसाइज करी है और रोहित है उसने 1 घंटे में इतनी एक्सरसाइज करी है, तो हाउ, मतलब किस, कौन से लड़के ने ज़्यादा लॉन्गर टाइम एक्सरसाइज की है। तो अपन इनके देखते हैं, अब इसका कितना है, वो है 3/6, अब रोहित का कितना है, वो है 3/4, ओके। तो किसका बड़ा होगा, तो 3/4 और 3/6 बड़ा हो जाएगा 3/4। अब देखिए अपन ने इसको ज़्यादा खोल के क्यों नहीं किया,
क्योंकि दोनों के जो थे ये सेम थे और ये अलग थे, तो ये छोटा वाला बड़ा होएगा और न्यूमरेटर भी सेम थे तो इसलिए ये वाला बड़ा हो गया, अपन को पता है। ठीक है, और एक चीज मतलब कर सकते, मैं करते नहीं है लेकिन मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ। ठीक है, 3 और 6 है तो वो 30 और 60 हो सकते हैं, है ना, और है ना 30 और 40 है ना, तो ये क्या हो जाएंगे एक तरीके से, ये हो जाएंगे आपके 50 और 60, क्योंकि वो 10 10 के डिफरेंस है उसमें, है ना, और इसमें है ना पूरे आधे घंटे का डिफरेंस है और इसमें 10 मिनट का डिफरेंस है, क्योंकि वो 3 और 4 एकदम पास के नंबर है। अब नहीं लगता ऐसा ऐसा, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, 20 पास विद 60% और मोर मार्क्स। इन अनदर क्लास बी ऑफ 30 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट पास विद 60% टू मोर मार्क्स। और अपन को इसका फ्रैक्शन निकालना है कितने 60% से ज़्यादा मार्क्स से पास हुए, तो अपन क्या लिखेंगे, ए लिख देते हैं या बी लिख देते हैं। हाँ यहाँ देखिए 25 और 20, और यहाँ लिखेंगे 30 और 24। ठीक है, अब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे तो आ जाएगा आपका 4/5, और इसकी निकालोगे तो भी आ जाएगा 4/5। तो इक्वल परसेंट में स्टूडेंट पास किए गए हैं इस स्कूल से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 7.4 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।